क्वेश्चन नंबर सेकेंड फैक्टराइज करना है हमें। इसमें आप देखिए, आप यहां पर इसको ए स्क्वायर लिखना है, इसको बी स्क्वायर, इसको सी स्क्वायर, बस इसको लिख दिया तो यहां पर ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएगा। तो अब टू को क्या लिखे, टू को क्या लिखे कि होल स्क्वायर हो जाए। तो आप लोगों को पता है, आप पढ़ के आ रहे हैं एट्थ क्लास में, अंडर रूट टू का अगर होल स्क्वायर करता तो टू मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो ए की वैल्यू अंडर रूट टू हो गई, अंडर रूट टू का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा और टू बच जाएगा इस प्रकार से। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट टू एक्स ए की वैल्यू। बी तो सेम रहेगा, बी में कोई चेंज नहीं है। अब यहां पर क्या लिखे, एट को क्या लिखे, तो एट का आपको पता है टू रूट टू होता है, टू रूट टू। कैसे, एट को अगर हम लिखेंगे तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो टू का स्क्वायर फोर, और रूट जैसे यहां पे कट गया था, रूट से रूट कट गया था, टू बचेगा, तो फोर टू जा एट और जेड, बस ये अपना काम हो गया। अब आपके पास में वैल्यू ए की भी आ गई, ये ए बन गया हमारे पास में, ये बी है और ये सी है, बस ए बी सी की वैल्यू हमें निकालना था। अब हम यहां पे चेक करते हैं, तो यहां पर ये टू ए बी दिखना चाहिए, तो टू आप साइन यहां पे कौन सा लेंगे, देखें तो साइन यहां पे देखो, एक जगह साइन माइनस का यहां पे आ रहा है और एक लास्ट में आ रहा है, तो टू ए बी टू बी सी टू सी ए, तो यहां पर भी ए आ रहा है और यहां पर भी ए आ रहा है, तो ए को माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पे कितना हो जाएगा, माइनस अंडर रूट टू, माइनस अंडर रूट टू, ये ध्यान रखना। तो प्लस फॉर्मूले में यहां प्लस का लिखूंगा मैं, टू लिख दिया है, टू ए, टू ए कितना, अंडर रूट टू एक्स, ये हो जाएगा। तो या टू ए और बी कितना हमारे पास में है, वाई, ये हो गया, प्लस टू बी सी, तो टू बी सी कितना हो जाएगा, ये बी सी, इसको लिख दे देंगे टू बी सी, और बी सी दोनों में प्लस का है, तो टू बी कितना हमारे पास में है, वाई, और सी कितना हमारे पास में है, टू रूट टू जेड, टू रूट टू जेड, प्लस ये माइनस का है तो यहां प्लस लगा देंगे हम, ये प्लस लगा दिया, आप कितना आएगा यहां पे, तो यहां नीचे लिख देता हूं मैं, तो टू सी ए, सी कितना है, टू रूट टू जेड, टू अंडर रूट टू जेड सी, और ए कितना है, माइनस अंडर रूट टू एक्स, माइनस अंडर रूट टू एक्स, ये हो गया। अब चेक कर ले हम, बाकी तो हो गया हमारा, बस मेन क्वेश्चन यही था। इसमें आप एक बार मिला लीजिए, ऊपर हमारे पास में टू अंडर रूट टू एक्स वाई आना चाहिए, तो देख लीजिए इसको, टू अंडर रूट टू और प्लस माइनस माइनस आ गया, एक्स वाई भी आ गया है। सेकंड वाला फोर अंडर टू वाई जेड आना चाहिए, तो देख लीजिए टू टू जा फोर, फोर आ गया, अंडर टू है, वाई जेड भी आ गया, ये भी हो गया है। फिर माइनस एट एक्स जेड आना चाहिए, तो देखो टू टू जा फोर हो जाएगा, और रूट टू कितना हो जाएगा, टू बन जाएगा, तो फोर टू जा एट भी हो जाएगा, और जेड एक्स, एक्स जेड या जेड एक्स की बात होती है, और माइनस कर जाएगा। इस प्रकार से क्लियर हो गई ये। आप देखिए, ये हमें निकालना था। अब आपके पास में ए बी और सी की वैल्यू क्लियर हो गई है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, ये अब हमारे पास में क्या है, ए की वैल्यू, जो हमें साइन जो था यहां पर माइनस का था, तो माइनस का साइन यहां पे शुरू में है, और यहां प्लस का है, और यहां माइनस का है, तो हमने ए जगह ए, यहां पे ए माइनस का, हाँ दो जगह ए आ रहा है, मतलब ए माइनस का रहेगा, तो हमने यहां पे इसको फॉर्मूले में माइनस ए कर लेते हैं, तो माइनस ए का होल स्क्वायर कर देता हूं मैं, ये इस प्रकार से ये हो जाएगा।
तो इसका जो आंसर जो निकलेगा फैक्टराइज वाला वो क्या निकलेगा, माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये बनेगा। अब यहां पे देयरफॉर करके इसी को वापस लिख देते हैं हम, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था मैं यहां पे लिख देता हूं, तो कितना हो जाएगा सेम टू सेम नीचे लिखना है, माइनस अंडर रूट टू एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू अंडर रूट टू जेड होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस लिख देता हूं यहां पे, तो कितना हो जाएगा टू अंडर रूट टू एक्स वाई प्लस टू वाई टू अंडर रूट टू जेड और प्लस प्लस माइनस माइनस में यहाँ लिख देता हूँ बाहर, टू अंडर रूट टू टू अंडर रूट टू जेड एक्स और टू पहले से है, एक टू पहले से ही था, तो टू इंटू टू अंडर रूट टू और ये जेड इंटू माइनस तो दे दिया था, तो इसको लिख देते अंडर रूट टू एक्स मल्टीप्लाई में अंडर रूट टू एक्स ये हो गया इज इक्वल टू, ये लिख दिया है। और इसके इज इक्वल टू में यहाँ पे इज इक्वल टू आएगा इज इक्वल टू, तो उधर जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बड़ा जाएगा। अब ए की प्लेस पे आपको कितना आया ये कंपेयर कर लिया था हमने, ए पे कितना निकला माइनस अंडर रूट, ये हो गया आपका सॉल्यूशन कंप्लीट, अंडर रूट टू अंडर रूट टू एक्स प्लस बी कितना है वाई और सी कितना अपने पास में टू अंडर रूट टू टू अंडर रूट टू जेड का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, ये हो गया होल स्क्वायर। इसको टू टाइम्स लिख दीजिए, तो टू टाइम्स लिखेंगे होल स्क्वायर को तो चलेगा अंडर रूट टू फैक्टराइज हो जाएगा अंडर रूट टू एक्स प्लस वाई प्लस टू अंडर रूट टू जेड एक ब्रैकेट में आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में सेम यही वाला रिपीट हो जाएगा, माइनस अंडर रूट टू एक्स प्लस वाई प्लस टू अंडर रूट टू जेड, इस प्रकार से ये फैक्टराइज हुआ।